सुंदरबंस विश्व की सबसे बड़े जंगलों में से एक है। सुंदरबंस गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मिलन से बे ऑफ बंगाल में जो डेल्टा बनता है उस मैंगो फॉरेस्ट को सुंदरबंस के नाम से जाना जाता है। जंगल का लगभग 6000 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश में और 4000 किलोमीटर का एरिया इंडिया के वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सुंदरबंस अपने टाइगर एंड वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। हर साल देश के हर जगह से लाखों की संख्या में लोग सुंदरबंस घूमने आते हैं। कोलकाता से सुंदरबंस ट्रैवल करना बहुत ही इजी है। वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन कैनिंग सोनाखाली से लंच बोट बुक करके सुंदरबंस घूम सकते हैं। 3 दिन का लंच बोट का रेंट है 4000 पर पर्सन। अगर आप सुंदरबंस ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो 1000 से 1500 तक सेव कर सकते हो। 2500 के अंदर आपका 3 दिन का पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। हम सुंदरबंस जनवरी मंथ में आए थे। इस टाइम यहाँ बहुत ठंड रहता है सो बहुत कम चांस है सुंदरबंस की टाइगर्स को देख पाना। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सुंदरबंस की झौरखाली टाइगर रेस्क्यू सेंटर में टूरिस्टों के लिए टाइगर एंड कोकोडाइल स्टोर करके रखा है। झौरखाली टाइगर रेस्क्यू सेंटर एनिमल पार्क का एंट्री फी है ₹30 पर पर्सन। सुंदरबंस में हम नाइट स्टे बोट में ही किए थे। यहाँ रहने के लिए होटल्स भी अवेलेबल है। सुंदरबंस आने का कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है। साल के किसी भी टाइम सुंदरबंस आ सकते हो। हर एक सीजन में सुंदरबंस अलग तरह से खिल उठता है। सो गाइस, यही था मेरा एक्सपीरियंस। इफ यू फाइंड दिस वीडियोस हेल्पफुल प्लीज लीव ए लाइक, कॉमेंट योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। And thanks for watching.